नमस्कार, आज हम दिशा एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। दिशा एप्लीकेशन जो है आपके मोबाइल में एक तरह से जीपीएस की फैसिलिटीज़ प्रदान करती है। आइए इसके बारे में जानते हैं, किस प्रकार अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और किस प्रकार इस पर काम करें। सबसे पहले हम अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर उसको ओपन करेंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद जहाँ सबसे ऊपर है टेक्स्ट बॉक्स है, उस पर हम दिशा ऐप लिख देंगे और इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको दो तरह की एप्लीकेशन दिखाई दे रही है। सबसे ऊपर दिशा इंडियन ग्रिड और दिशा इंटरनेट एक्सटेंशन। जैसे ही ये 766 KB की और नीचे वाली है 27 KB की है। मैं सबसे पहले ऊपर वाली को इंस्टॉल करता हूँ और इसको एक्सेप्ट करने के बाद जैसे डाउनलोडिंग शुरू हो रही है, मैं बैक बटन पे वापस जा करके नीचे वाली एप्लीकेशन को भी साथ साथ डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पर भी इंस्टॉल करूँगा, ये भी मेरी इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है। ये ऊपर वाली एप्लीकेशन जो थी वो डाउनलोड होकर स्कैनिंग कर रहा है और नीचे वाले भी डाउनलोड होकर स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद ये डन पूछ रहा है और दोनों में मैंने डन क्लिक कर दिया। ये मेरी दोनों एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। नीचे वाली जो एप्लीकेशन है इंटरनेट एक्सटेंशन, ये एक छोटा सा इसकी फाइल का फॉर्मेट है, कोडिंग है। ये कोडिंग फाइल है जिसके माध्यम से हम गूगल मैप को इस पर चला सकते हैं। अब ये मेरा दिशा एप्लीकेशन जो मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करने से पहले मैं अपने मोबाइल का जो जीपीएस है या नेविगेशन, किसी के मोबाइल में अदर हो सकता है, लोकेशन बोल सकते हैं जिसको, उसको एनेबल करना है। ये एनेबल करने के बाद ही जो है मेरा वो जीपीएस काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे मैंने इसको एनेबल करूँगा और दिशा को जो है ओके कर देता हूँ यहाँ से मैं, और जो ये मेरा प्राइमरी फॉर्मेट है इसको मैं इंडिया जोन 1 अल्फा सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि मेरा जो जोन है वो इंडिया जोन 1 अल्फा है। और इसके बाद मैं इसको बैक कर दूँगा और बैक करने के बाद ये मेरा फ्रंट पेज आ रहा है, इसका वर्जन के बारे में बता रहा है। इसको मैं डिसमिस, जैसे इसको डिसमिस किया तो लेफ्ट साइड में ऊपर जो कॉर्नर पर आ रहा है आपका ईस्टिंग और नॉर्थिंग लाइन का, जो आपका ऑन पोजिशन है 10 फिगर में वो बता रहा है। ध्यान रखना, इसके ऊपर जो आपने ना लेफ्ट से कोई छोड़ना है वर्ड को, ना राइट से किसी भी अंक को छोड़ना है। मेरा ऑन पोजिशन आ रहा 61218 और जो ये मेरा स्टिंग था नॉर्थिंग का 77647। अगर आपको 8 फिगर चाहिए तो राइट साइड का एक एक वर्ड को आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये एक्स ए और नीचे लिखा है I1 अल्फ़ा, तो ये I1 अल्फ़ा का मतलब है इंडियन जोन 1 अल्फ़ा। अब ये कैसे, मतलब इसके बारे में हम अपने मोबाइल में इस जोन को भरना है इसके बारे में देखते हैं कि इंडिया को जो है टोटल 9 भागों में बांटा गया है, 9 जोन्स के अंदर। तो यहाँ पर मैं गूगल में जा करके यह लिख दूंगा इंडिया जोन मैप और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, जहाँ पर जो ये नीचे लिखा आ रहा है इंडियन ग्रिड सिस्टम, नीचे लिखा है दीप प्रधान हेली होस्ट डॉट ओ आर जी, इस पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो इंडिया का नक्शा है उसका जोन वाइज जो है उसमें मार्किंग किया हुआ है कि ये है इंडिया के टोटल 9 जोन, 0 से लेकर के 4 ब्रेवो तक, यानी कि 0 को छोड़ करके जोन 1 से लेके 4 तक अल्फा और ब्रेवो, दो दो डिवीजन इसकी बनाई गई है। यानी कि जोन 1 अल्फा जो है ये हरियाणा तक कवर कर रहा है, राजस्थान का हिस्सा और यूपी का एरिया। इस तरह से इसमें हम चूज कर सकते हैं कि आप किस एरिया में रहते हैं और कौन सा जोन आपने सेलेक्ट करना है। वापस मैं अपने एप्लीकेशन के पेज पर जाता हूँ और ये मेरा जो है ये फर्स्ट पेज है जिसके ऊपर आपको पोजिशन, जो एल्टीट्यूड, जो मीटर है, हीडिंग और स्पीड दिखा रहा है। अब जैसे आप इसको लेके के चलोगे अपने डिवाइस को तो वहाँ पर आपका स्पीड भी आ जाएगा यहाँ पर, और फिलहाल मैं नहीं चल रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो नीचे सबसे नीचे लेफ्ट साइड में जो है एक सर्कल के अंदर 2 क्रॉस एरो है, मतलब एक अदर डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। उस पर क्लिक करते ही आपसे एक सेटिंग के बारे में पूछेगा। इसमें थर्ड ऑप्शन में आ रहा है सेट मैप टाइप, यहाँ पर मैं मैप टाइप पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे मैप के बारे में पूछ रहा है कि आपने कौन सा मैप सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर गूगल मैप हाइब्रिड सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पर ज़्यादा सेटिंग चेंज नहीं करना। इसके बाद मैं यहाँ से बैक बटन पर दबाता हूँ 2 बार तो ये मेरा पेज आ गया। जैसे मैं इस पेज पे जो है हाथ से जूम इन आउट करूँगा तो मेरा गूगल मैप धीरे धीरे, अगर इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा तो धीरे आएगा, नहीं तो काफ़ी जल्दी आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ, ये मेरी ऑन पोजिशन थी। यहाँ से मैं इसको जूम इन और आउट
आसानी से कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं ज़्यादा जूम या ज़्यादा आउट कर दूंगा तो मेरा प्लस और जो ये माइनस राइट साइड टॉप कॉर्नर पे आ रहा है, इसके माध्यम से मतलब मैं इसको जो है मैप को छोटा और बड़ा कर सकता हूँ। मैं यहाँ से एक नेविगेशन करता हूँ। सबसे पहले मैं पॉइंट लगाता हूँ जो राइट साइड में जो आपका आ रहा है एक एरो मार्क के साथ में जो बटन सा दिखा रहा है, वहाँ पर जा करके मैं क्रिएट नेम में क्लिक करता हूँ। क्रिएट नेम पर जो है ये मेरा वे पॉइंट, वे पॉइंट मतलब मैं यहाँ पर अपना ओवन डाल देता हूँ। या फिर यहाँ क्रिएट पॉइंट में मैं यहाँ पर मी डाल देता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ से अब मैं इस एरो मार्क को मूव करके किसी भी एक स्थान पर ले जा करके जो है वो पॉइंट लगा देता हूँ और मैं यहाँ पर एक क्विक पॉइंट बना देता। अभी क्रिएट नेम किया था मैं, क्विक पे क्लिक किया, क्विक पे जैसे ही तो मैंने ये प्लस का निशान बन गया है और इधर एक पॉइंट मेरा लग गया। अब मैं यहाँ से मैनेज करके एक और पॉइंट लगा देता हूँ। यहाँ पर गया, मैनेज पे गया और मैनेज पे जा करके प्लस का निशान से मैं कोई भी पॉइंट यहाँ लगा देता हूँ। जैसे मैंने करंट लोकेशन लिया, करंट लोकेशन के मैं डिजिट चेंज कर देता हूँ। और ये मैंने ओके कर दिया। जैसे ओके किया तो ये मैं मी न्यू वे पॉइंट और क्यू डब्ल्यू मेरे तीन वे पॉइंट बन गए। अब यहाँ से मैं वापस मेरी ओन पोजिशन दिखाएगा मी के ऊपर, यहाँ से मैं लेफ्ट साइड में जो एरो मार्क आता है इस पर मैं क्लिक करूँगा और टू वे पॉइंट पर क्लिक करता हूँ। जैसे वे पॉइंट पर तो तीन ऑप्शन आ गए मेरे पास, तीन में से मैंने क्विक वाले पे मैं मार्च कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके करूँगा तो देखिए एक लाइन सी बनी हुई है और ये जो है मुझे दिखा रहा है मेरे इस पॉइंट के बारे में कि क्विक पॉइंट जो था वो किस डायरेक्शन में है और आपको किस तरफ मूव करना है। मैं मूव कर रहा हूँ, थोड़ी सी दूर जाऊँगा तो देखना मेरा जो कर्सर है एरो मार्क है ये भी साथ साथ मेरा मूव कर रहा है। ये देखिएगा एरो मार्क नज़दीक आ गया और ये देखो मी जो है वो मेरा पीछे रह गया। अगर यहाँ से मैंने वे पॉइंट मी के ऊपर जाना है तो यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ तो देखिएगा अपोजिट डायरेक्शन में है, पॉइंट के नज़दीक से वापस अपनी ऑन पोजीशन जो थी मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और ये मैं अपनी वापस उसी पोजीशन पे जाऊँगा। जैसे ही थोड़ी देर रुकूँगा तो ये मेरा जो है ये ग्रीन ग्रीन जो दिखाई दे रहा आपको लाइनिंग ये मिट जाएंगी। इसके बाद यहाँ से जो है मैं जाऊंगा वे पॉइंट में, वे पॉइंट में जाने के बाद यहाँ से डिसमिस, डिसमिस मतलब उसको जो था जो पेज आ रहा था वो चला जाएगा। इसके बाद यहीं से वे पॉइंट वाले में जाके ऑप्शन में स्टॉप नेविगेशन करने से वो लाइनिंग भी चली जाएंगी। इसके बाद मैं यहीं से फिर एक बार मैनेज में जा रहा हूँ और मैनेज में जाने के बाद जो तीन पॉइंट्स लगाए थे इन पे थोड़ी देर के लिए बटन को दबा के रखता हूँ तो यहाँ से हम एडिट नेविगेशन प्रोजेक्शन फोरम प्रोजेक्शन टू सन मून और शेयर कॉपी और लास्ट में डिलीट, यहाँ से हम उन पॉइंट्स को जो लगाए हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद मैं ये मेरे दोनों जो थे मेन्यू बटन जो थे इनको बारे में मैंने थोड़ा डिस्कस किया है। इसके बाद यहाँ पर एक चाबी दिख रहा है, इसको जो सेटिंग एरिया है यहाँ पर ये चाबी दिख रहा है, इस बटन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ से एरिया कन्वर्जन जियो टैग प्रोजेक्शन सैटेलाइट सन मून और ट्रिप कंप्यूटर दिखा रहा है। यहाँ से जैसे मैं एरिया पे क्लिक करूँगा तो ये आपको एरिया के बारे में बताएगा, लेकिन नो पॉइंट मैंने अभी एडिट नहीं किया है। इसके बाद मैं कोई भी पॉइंट लगाऊंगा तो उसका एरिया भी बता देगा। जैसे दो पॉइंट लगाए, दोनों मैंने सेम जगह पर लगाए। इसके बाद इसी चाबी पर सेकंड क्लिक करता हूँ और कन्वर्जन जो है इसके बारे में बताएगा। अब देखिए इस कन्वर्जन के बारे में ये बोल रहा है कि जो मेरा ऑन पोजीशन लोकेशन है उसके जो जीआर है उसको कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर मान लो मेरा एरिया जो है वो वन ब्रेव में जा रहा है तो वन ब्रेव में जो है मेरा सीट नंबर एसजेड में
इट फिगर जो है रेफरेंस जो है ये वाला होगा। किसी भी जोन का आप इससे रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद वापस सभी पे जाता हूँ और वही जियो टैग फोटो, जैसे ये मैं क्लिक करूँगा तो ये उस जियो टैग फोटो को खींचने के लिए पूछता है, कैमरा ऑन हो जाएगा। अब आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका उपयोग जो है, अगर आपको किसी स्थान का डिस्टेंस और बेयरिंग पता है तो ये ऑटोमेटिक वहाँ का जीआर बता देगा। जैसे मान लो यहाँ से 130 डिग्री पर 200 मीटर दूर का जीआर कितना होगा, कैलकुलेट पे क्लिक किया उसका जीआर ये वाला हो जाएगा, जहाँ नीचे लिखा है 10 फिगर में आ रहा है, ये जीआर हो जाएगा। डिस्टेंस है ये किलोमीटर में था, इसीलिए गलत ले रहा था, मैंने मीटर के हिसाब से भर दिया। और जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये जीआर हो जाएगा क्लिक। यहाँ ऑप्शन से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं और काफ़ी कुछ इसमें और भी ऑप्शन दिए गए हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था सैटेलाइट्स के बारे में कि GPS, ग्लोनास, बेडू, ये किस किस देश से संचालित प्रणाली है। यहाँ पर देखिए साबी के पास जो है एक व्हील और कट जो सेटिंग का बटन दबाया है, इसमें हम इनकी डिफरेंट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे अर्थ व्यू करते हैं तो ये मैप आ जाएगा और इस मैप में दिखा देगा कौन से सैटेलाइट किस डायरेक्शन में है। फिलहाल मैं इसको स्काई व्यू ही कर देता हूँ। यहाँ से मैं बैक करता हूँ। इसके बाद ये सन और मून का इन्फॉर्मेशन बताएगा कि जो आपका सन है अभी किस डायरेक्शन में, मतलब सन जो मून है इसकी दो तरह से रोटेट करता है, वेनिंग और वैक्सिंग सीजन जो है। ये देखिए जैसे मैं नेक्स्ट 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 क्लिक करता हूँ दिसंबर जन, तो किस तरह से इसमें छाया आती है और किस डायरेक्शन में ये आपको बताएगा। राइज टाइम, ट्रांज जो है सेट टाइम कितना है इसका, सन और मून दोनों का। तो इसके बाद एक ट्रिप कंप्यूटर देख सकते हैं, जैसे कि आपका कितनी किलोमीटर का आपने एरिया कवर किया, अभी कितना आपने पैदल चले, ऐसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। इसके बाद जो है ये शेयर बटन दिखाई दे रहा है कि आप किस तरह से इसको शेयर करना चाहते हैं अपनी लोकेशन को। इसके बाद सेटिंग बटन है, सेटिंग बटन में वापस हम आ गए। अगर कभी कभी हमें प्रॉब्लम होती है तो देखो मेन स्क्रीन लोकेशन फॉर्मेट जो है इसको हम चेंज करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी और सेकंड। इसमें ज़्यादा कुछ हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, वही जियो रेफरेंस कितने डेसिमल तक देखना है, ग्रिड लेटर देखने या नहीं देखने, और अगर जोन नहीं पता हो तो इस पर क्लिक कर देना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।